नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या बवाल मचा हुआ है, क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान हो रही है और क्या इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है। आपको मालूम है कि लगातार अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सवालों को अब बल दे दिया है बीजेपी के दिग्गज नेता शहनवाज हुसैन के बयान ने, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इन सवालों को अब बल दे दिया है बीजेपी के दिग्गज नेता शहनवाज हुसैन के बयान ने, हम ये जानना चाहेंगे कि रवि उपाध्याय जी का आकलन क्या कहता है, क्या वाकई में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, ये हमारे आकलन से मतलब नहीं है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, जो लगातार इंडिया अलायंस कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, इसमें लगातार प्रयास हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के, न्यूनतम साझा, लेकिन कहीं कुछ धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगातार बैठकें हो रही है, लगातार कुछ न कुछ हो रहा है, कभी ये निकल के आ रहा है, कभी कुछ निकल के आ रहा है, कभी देखिए ममता बनर्जी कुछ बोल दे रही है, कभी नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू के कई नेता, कई दिग्गज कुछ कुछ बोल दे रहे हैं कि नहीं, हम तो 16-17 से कम में नहीं लड़ेंगे। हैसियत की भी बात आ गई, हैसियत की बात, जितनी हैसियत, अब ये हैसियत पॉलिटिक्स में, राजनीति में हैसियत क्या होता है? तो ये जब हैसियत देखने और दिखाने वाली बात होगी तब तो कांग्रेस अपने ही गठबंधन के दल को आप हैसियत वही करें, घर के अंदर कहीं कोई किसी को हैसियत दिखाता है क्या? बिल्कुल। या तो ये घर के अंदर ही इंडिया अलायंस बना है, महागठबंधन बना है, और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसी को हैसियत दिखाने की बात जदयू की ओर से बार बार किया जा रहा है। अगर मान लीजिए वो हैसियत दिखा दे तब तो ये लोग फुस, हवा निकल जाएगी, पंचर हो जाएगी गाड़ी। तो यह देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले इन लोग कई राउंड की बातचीत हो चुकी, अभी तक लब्बोलबाब कुछ नहीं मिला। अब देखिए डी राजा के मिलते हैं, कभी नीतीश कुमार से, कभी लालू प्रसाद यादव से। डी राजा की पार्टी को बिहार में कोई सीट नहीं चाहिए, यहाँ पर माले और सीपीआई के लिए सीट हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका मिलना न मिलना वो ठीक है, राष्ट्रीय नेतृत्व वहां जाकर के दिल्ली में बात करें, यहां मिलने से कुछ नहीं होना है। तो यह सब सिर्फ एक दिखाने के लिए प्रयास हो रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, बट ठीक ठाक नहीं है, एकदम ठीक ठाक नहीं है। अब देखिए जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो निकल रहा है कि हम जो है सो अब कांग्रेस करिए 11 सीट से कम नहीं लेंगे, अब ये लोग 4 से ज्यादा देने कह रहे हैं कि 16 हमारी जीती हुई सीट, ये 16 हमारे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एकदम अड़ा हुआ है ये लोग। अब ये लोग कह रहे हैं, अब देखिए इसमें अब इनका विजय चौधरी का बयान आ गया, इसमें नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता उनका बयान आ गया, विजेंद्र यादव का बयान आ गया, केसी त्यागी भी बोल रहे हैं। केसी त्यागी तो यहाँ तक करें कि हम नाराज हम लोग हैं कि भाई इस तरह से कितना लेट कांग्रेस को कंफ्यूज तक बता दिया है। हाँ, वही करें देव, ये जो सो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये अपने बल से बोल रहे हैं क्या? ये तो नीतीश कुमार का, ये मुख्यमंत्री बिहार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जेडीयू के, उनका उनकी वाणी को ही अपने मुंह से ये लोग बोल रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार का ये शुरू से ही रहा है, कभी अपने नहीं बोलते, उनके प्रवक्ता, उनके जो पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनसे वो बुलवाते हैं। यही तो नीतीश कुमार की खासियत है, वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो तो देखते हैं पासा फेंक दिए, अब उसके बाद देखिए क्या होता है, साइलेंट एक्शन होता है। हाँ, वही कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पढ़ने की बात है, तो ये नीतीश कुमार ये सब करवा रहे हैं और ये सब करवा क्यों रहे हैं? ये जनता पूछेगी, भाई नीतीश कुमार जब इंडिया अलायंस में है, सब कुछ है, सब कुछ बात हो रहा है, 16-17 सीट की बात कर रहे हैं, फिर वो 4 देने की बात हो रही है, 4 पर कांग्रेस लड़ेगी नहीं बिहार में, एकदम निश्चित मान के चलिए। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या चाहते हैं? अब देखिए एक से और भी बताएंगे। अब देखिए जो जेडीयू के साथ में जिसका अलायंस है आरजेडी का, ये हम नहीं करेंगे, तो जदयू के लोग ही करें कि जेडीयू से आरजेडी का अलायंस है, और अलायंस पार्टनर जो सो मंदिर को लेकर के शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया, हाय तो मचा हुआ है देश से लेकर के बिहार के अंदर। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता आकर के जो उस बयान का, जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का तीखी बने उस पर रिएक्शन, प्रतिक्रिया दिया, उसके अलावा कई अन्य नेता हैं उस कतार में जेडीयू के जो उनकी बात को ये कर रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक तो नहीं है, एकदम ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अच्छा, हम दो घटनाक्रम की जिक्र करेंगे। पहले ही अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी हैं,
कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्होंने साफ साफ मांग कर दी है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। देखिए इधर उन्होंने ये मांग की है और इधर अगर हम बात बिहार की करते हैं तो बिहार में भी शिक्षा मंत्री लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। आरजेडी के विधायक हैं अजय यादव, उन्होंने भी विवादित बयान दे दिया, यानी कि धर्म पर बार बार निशाना कसा जा रहा है, साधा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि चाहते हुए या ना चाहते हुए भी बीजेपी की मदद की जा रही है, कांग्रेस भी मदद कर रही है, आरजेडी भी मदद कर रही है, यानी कि मुद्दे दे रही है बीजेपी। देखिए अब जो अधीर रंजन चौधरी का बयान आया वेस्ट बंगाल में, वो वहां पर वो निश्चित रूप से वहां पर टीएमसी वहां पर रूलिंग पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी, तो वो दो सीट की बात जब वहां हो रही थी, कांग्रेस को ममता बनर्जी ने दो सीट दिया था, तो वो असहज पूरी तरह से कांग्रेस है वहां पर, तो दो सीट वहां पर तो चाहिए नहीं, वहां तो एकदम ताल ठोंक के लड़ाई आमने सामने की है और वो अपने बलबूते लड़ने के लिए कांग्रेस बात कर रही है। तो वहां पर जब वो उनका दिया राष्ट्रपति शासन की का डिमांड कर दिया, वो ईडी वाले पर जब अटैक हुआ उसके बाद से ही, तो ये ठीक है। तो वो जब बोल रहे थे उस पर देखिए जेडीयू की तरफ से क्या बोला गया, जेडीयू की तरफ से वो उनके बयान को ही ई कर दिया गया कि नहीं राष्ट्रपति शासन की बात नहीं, ये नहीं, तमाम तरह की बात हो गई। तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि अंदर खाने में ठीक नहीं। अभी जैसे आपने कहा कि बिहार के विधायक जो है सो जेडीयू के, उन्होंने आरजेडी के अजय यादव जो उनका जो बयान है, तो यह सब कि धर्म की राजनीति ही हो रही है, उसी पर पूरी तरह से रोटी सेका जा रहा है। इसको चाहते ना चाहते हुए भी आप लोग बीजेपी को मुद्दा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मदद भी कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो भी रहा है। अब देखिए गोपाल मंडल जो भागलपुर वहां से जो एमएलए हैं वो उनका क्या है कि हम खड़गे उड़गे को नहीं जानते नीतीश कुमार, तो यह सब अलायंस में रहते हुए इस तरह की जब बात हो रही है तो फिर समझ लीजिए कि क्या स्थिति अंदर खाने, विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। जो हम लोग कह रहे हैं कि तिला संक्रांत के बाद पहले वो सब छोड़ दीजिए, ये तो कभी भी विस्फोट हो सकता है जो स्थिति बनी हुई है। अगर यदि हाँ बिल्कुल अगर यदि डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया, जिस तरह से जो बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से ये हो रहा है, तो कभी भी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, तो यह हो सकता है। इसमें कहाँ अतिशयोक्ति है? आप सारे बयान को एक जगह जोड़ दीजिए, तमाम जो इंडिया अलायंस का है, महागठबंधन का, ये आप जोड़ दीजिए, देखिए आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। ये तो कोई भी आदमी अगर यदि देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। अच्छा ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा भी है, क्या क्या कांग्रेस या आरजेडी दोनों ही अंदर अंदर क्या नीतीश कुमार के खिलाफ या फिर हम ये कहें कि जेडीयू के खिलाफ अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी तो नहीं पका रही है? देखिए निश्चित रूप से यह जो बात आ रही है जेडीयू की तरफ से कि आरजेडी का कांग्रेस से अलायंस है, ठीक है, अब कांग्रेस का किससे अलायंस है, तो आरजेडी के साथ अलायंस है, तो कांग्रेस का आरजेडी के साथ अलायंस है, तो यह जो है सो कहीं ना कहीं देखिए आरजेडी और कांग्रेस तो एक दूसरे के साथ में लंबे समय से इन लोगों का, तो यह कोई अगर यदि कहता भी है अगर यदि कहीं पर भी कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का अलायंस खत्म हो जाएगा तो यह मानने वाली बात नहीं है। जेडीयू के साथ में हो सकता है क्योंकि हम जितनी बात कह रहे हैं वो आप देखिए कहाँ पर हो रहा है। और एक चीज नीतीश कुमार की पार्टी हमेशा जो है सो स्पेस दे करके रहती है कि अगर यदि उसको उधर जाना पड़े तो वह जो है सो वह पार्टी चली जाए उधर चली जाए। और हम ये जो कह रहे हैं ये बयान को ही आप देखिए जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी का बयान हो रहा है, जिस तरह से आरजेडी के बयान को पर कड़ी प्रतिक्रिया जेडीयू की तरफ से दी जा रही है, इवन देन की शिक्षा मंत्री का बयान है लेकिन उसमें आरजेडी की तरफ से देखिए किस तरह का बयान आ रहा है कि धर्म आस्था पर कोई चोट नहीं बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता, बार बार बोला जा रहा है और कड़ी तल्ख टिप्पणी हो रही है उस पर, तो यह जो है सो एकदम। और यह जब जेडीयू के प्रवक्ता या जेडीयू के नेता इस तरह से बोलते हैं तो वह स्पेस देता हुआ दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जब भी मौका मिले अवसर मिले तो वह जो है सो उधर चली जाए, क्योंकि अब देखिए उधर चली जाएगी एकदम, वो तो दिखाई पड़ रहा है ना हमको आपको बोलने के, बयान को ही जोड़ दीजिए, बयान को क्लब कर दीजिए, कड़ी से कड़ी जोड़िएगा तो इस सवाल का जवाब आपके पास मौजूद होगा एकदम। उसमें कहीं किसी को विशेष दिमाग खर्च करना ही नहीं है, एकदम उतने में ही सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे लगातार कहा जाता है ये बात कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा एक मौके के तलाश में होते हैं, एक मुद्दे के तलाश में होते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं या फिर आरजेडी के नेताओं की तरफ से जिस कदर का बयान दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू वाले काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और अनकंफर्टेबल जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महसूस करते हैं तब तब एक बड़ा फैसला ले लेते हैं। देखिए निश्चित रूप से देखिए जो सिनेरियो है
जो परिदृश्य है राजनीति का, बिहार का एटलीस्ट कह लीजिए, देश पर हम लोग बाद में बात करें, बिहार में देखिए वो कहीं आपको ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ता। और आज तो देखिए चिराग पासवान ने भी इस पर मुहर लगा दी, चिराग पासवान ने स्पष्ट कह दिया कि देखिए ये जो 14 और 19 ठीक है वो विपक्ष खंडित था, अलग अलग था, लेकिन इस बार एकजुट है। उस पर उन्होंने कहा कि लेकिन देखिए परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो कभी भी किसी भी समय में कुछ भी हो सकता है, तो यह एकदम अब दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक से एक राजनीतिक पंडित इस बार इस बात को कह रहे हैं कि ये देखिए उस ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जितनी बात का आकलन राजनीतिक गलियारे में चल रही है। तो क्या सीएम नीतीश कुमार को भी पलटी मारने के लिए एक मुद्दा मिल गया है? देखिए निश्चित रूप से मुद्दा मिलता जा रहा है, एक पर एक मुद्दा मिला है, बहाना मिल गया है। अब देखिए जो सीट शेयरिंग का जो मामला है ये नहीं हो रहा है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बन पा रहा है, लेट पर लेट होता जा रहा है, अभी तक साझा रैली और एक साथ में ज्वाइंट इसकी बात नहीं, बयानबाजी फिर इस कदर से जो बयानबाजी जो, तो वो निश्चित रूप से असहज। नीतीश कुमार कुछ बड़ा निर्णय लेते हैं तो यह असहज होते हुए धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए तो एक आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरह से लगातार बीजेपी के अब तमाम दिग्गज नेता ये कह रहे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन एक्सपायर कर जाए, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? देखिए एक्सपायरी डेट की बात हम लोग सब डब्बा उब्बा पर लिखा रहता है कि यूज बिफोर फलना यूज आफ्टर ये जी, तो वो अब हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि एक्सपायरी डेट क्या है जी, बेस्ट बिफोर यूज होता है ना, तो वो सब दिखाई पड़ रहा है। तो क्या चुनाव से पहले वही लक्षण की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है वो जी, जी, जी। और ये जो 14 हो रहा है तो ये हमको लगता है कि 14 के बाद हो जाए या 22 तारीख को जो मेगा शो भाजपा का होगा उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ निश्चित रूप से होने जा रहा है, कुछ ना कुछ निश्चित। हाँ इसमें कुछ दिखाई पड़ने वाली बात है क्या जी, जी। सब कुछ स्पष्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कुछ नहीं, पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ उसको पढ़ने की जरूरत है और उस हिसाब से बिहार की जनता को मूड बनाने की बात है, मूड बनाने की बात है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, देखिए साफ साफ कह दिया है कि सब कुछ आपके सामने है, बस आपको भी इसको डिकोड करने की जरूरत है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।